जय हिंद दोस्तों, और एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे आरबीआई की कुल उच्च गाइडलाइंस के बारे में, जिनके बारे में सबको पता होना काफी इम्पोर्टेंट है। तो आरबीआई की कौन सी ऐसी ऐसी गाइडलाइंस है जिसके बारे में हर एक उस व्यक्ति को पता होना इम्पोर्टेंट है जिन्होंने किसी भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन या नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन यानी कि एनबीएफसी या फिर किसी भी बैंक से क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन या अनसिक्योर्ड लोन किसी भी तरीके का लेकर रखा है, तो उसको ये वीडियो देखना काफी इम्पोर्टेंट है। उनको पता होना इम्पोर्टेंट है कि आरबीआई ने क्या रूल्स और क्या गाइडलाइंस निकाली है वो जितने भी बैंक्स हैं और नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उन सभी के लिए कि क्या क्या फॉलो करना पड़ता है, और अगर फॉलो नहीं करती है तो ऐसे में आपको कैसे कंप्लेन करनी है। डिटेल में डिस्कशन होने वाला है आज के इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक आप लोग वॉच करते रहिए। साथ ही में अगर चैनल पर नए आए हैं और अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बात ऐसी है कि कुछ समय से काफी लोगों ने ये कमेंट किया था कि एक एक करके गाइडलाइंस बताने के लिए, तो सबसे पहले मैं कॉल्स को, जो कॉल्स आती है उनको लेके क्या गाइडलाइंस है। देखिए, कभी भी बैंक या कोई भी एनबीएफसी जो है वो लोन की रिकवरी खुद से नहीं करती है। काफी लोगों को ये बात पता नहीं होगी, वो रिकवरी के लिए थर्ड पार्टी के पास जाती है और वहां आपका डाटा देती है, जैसे कि थर्ड पार्टी कॉलिंग सेंटर। तो ये जो टेली कॉलिंग सेंटर को आपका दिया जाता डाटा, तो इनका जो कॉल करने का टाइमिंग होगा वो होगा 8 बजे सुबह से लेके 7 बजे शाम तक, ठीक है। इसी बीच इनका कॉल आ सकता है, लेकिन ये भी 50% लोग फॉलो करते हैं, 50% फॉलो नहीं करते हैं। और इसमें भी और दूसरी ऐसी गाइडलाइन है जिसके बारे में नहीं पता, वो ध्यान से देखिए। अगर एक कॉल अभी आई है और आपने उस कॉल का अगर आंसर दिया है, एक कॉल आपको आती है और उस कॉल का अगर आप आंसर देते हैं, तो कोई भी बैंक या कोई भी एनबीएफसी फिर तुरंत उसके बाद या उसी दिन आपको दोबारा कॉल नहीं कर सकती। अगर आपको एक कॉल आती है और एक कॉल का आप आंसर दे देते हैं, उसके बाद तुरंत जो कॉल आते हैं, ये भी एक तरीके का यहाँ पर ऐसा गाइडलाइन है कि एक कॉल अगर आया है तो उसके बाद दोबारा कॉल आप नहीं कर सकते सेम टाइम पे और सेम पर्सन को। लेकिन ऐसा देखा ये जाता है कि जो एनबीएफसी या बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस ऐसा नहीं करते हैं, बहुत ही कम बैंक्स हैं जो ऐसा करेंगे। मेनली जहां पे एनबीएफसी जो है, खासकर की ऑनलाइन एप्लीकेशंस वाली, वो डेली 50 से 60 कॉल्स करती है, ठीक है। और इसमें भी अगर जो कॉल करता है उसकी आईडी आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले अगर आप कॉल रिसीव करते हैं तो उसका आईडी कार्ड वगैरह पूछिए कि कहाँ से है, उसके आईडी कार्ड का नंबर बताए, उसका नाम क्या है और वो किस जगह से बोल रहा है, तो ऐसा आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। और दूसरी बात है कि कोई भी कॉल पे शाउटिंग नहीं कर सकता, आपके ऊपर कॉल पे चिल्लाया नहीं जा सकता है, और ना ही आपके साथ बदतमीजी की जा सकती है, ना ही अब्यूजिव लैंग्वेज यूज की जा सकती है, तो ऐसा कुछ भी करने से मना किया गया है कॉल पर। आरबीआई का साफ साफ नियम है, सबसे पहले या जो भी रिकवरी होती है वो लॉफुल तरीके से होनी चाहिए, सही से होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले ये कॉल करके कुछ जगह में आपको देखने के लिए मिलेगा कि खूब ज्यादा चिल्लाते हैं, चिल्लाने के बाद अब्यूजिव लैंग्वेज भी कभी कभी यूज कर देते हैं। तो ये जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं ये सभी आरबीआई के हिसाब से इलीगल मानी जाती है, ठीक है। ये हमने बात कर ली यहाँ पे कॉल्स के बारे में, अगर कॉल्स आते हैं तो उनको लेके क्या गाइडेंस है। अब अगर आप कॉल को इग्नोर करते हैं तो उसमें आप बिल्कुल कर सकते हैं। अगर कॉल पे आपको हरेसमेंट किया जा रहा है, बार बार कॉल करके आपको धमकी दी जा रही है या डराया जा रहा है, तो आप कॉल को आसानी से इग्नोर कर सकते हैं। नेक्स्ट और दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, और वो आज टॉपिक जो होगा वो भी काफी लोगों ने यही मुझसे पूछा था कि जो रिकवरी का प्रोसेस है इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो होती है वो होती है रिकवरी एजेंट्स को लेकर, ठीक है। तो ये जो रिकवरी एजेंट्स है, तो ये रिकवरी एजेंट्स को लेकर क्या गाइडलाइंस है और क्या नियम और कानून है। इससे पहले हम लोग रिकवरी एजेंट्स पे पढ़ें, एक महत्वपूर्ण और टॉपिक है या एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में पता होना चाहिए, और वो है आपके कॉन्टेक्ट के कॉल को लेकर।
कॉन्टेक्ट के कॉल पर साफ साफ प्रतिबंध लगा हुआ है। अब इसमें देखने के लिए क्या मिलता है, और यहाँ पे जो लूप होल जिसको बोलेंगे, लूप होल जिसका ये कंपनियां फायदा उठाती है वो क्या है। देखिए यहाँ पर जो कंपनियां फायदा उठाती है जिस लूप होल का, वो ये है कि कंपनी जब भी इनके लोग आपके कॉन्टेक्ट पे कॉल या कॉन्टेक्ट पे अपनी आपकी फोटो वगैरह अगर भेजेंगे या आपके कॉन्टेक्ट पे कॉल करेंगे, तो ऐसे में ये लोग आपको अपनी आइडेंटिटी नहीं बताएंगे। जब आप कंप्लेन करेंगे तो सामने से रिप्लाई मिलेगा कि ये मेरा व्यक्ति नहीं था जिसने आपके साथ ऐसा किया। ये देखिए, ये इनका सबसे बड़ा यहाँ पे समस्या आता है, जब आप कंप्लेन करने जाएंगे तो ये सामने से मुकर जाते हैं कि इसके किसी भी एम्प्लॉय ने या एजेंट ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कंपनी ऐसा करती है तो कंपनी के खिलाफ आप RBI में आसानी से कंप्लेन डाल सकते हैं। ये हमने बात कर ली है कॉन्टेक्स्ट पे कॉल को लेकर। अब इसके बाद हम लोग पहुंचते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो है वो है रिकवरी एजेंट्स। रिकवरी एजेंट्स जब आते हैं तो आने से पहले आपको एक नोटिस या एक मैसेज मिलेगा कि रिकवरी एजेंट किस टाइम पे आएंगे, क्या उनका नाम होगा, ये ठीक है। और उसके बाद जो रिकवरी एजेंट आता है उसको लेकर क्या गाइडेंस है। देखिए, इंडिया के अंदर में काफी नियम कानून बने हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं किया जाता है, और काफी नियम कानून ऐसे हैं जिनको फॉलो किया भी जाता है। मेरा ये वीडियो का बनाने का माध्यम सिर्फ यही है कि आपको बताना कि क्या क्या गाइडलाइंस है, बाकी आपके ऊपर है। आप समझ सकते हैं कि क्या गाइडलाइंस आपके साथ फॉलो की जा रही है और क्या फॉलो नहीं किया जा रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे रिकवरी एजेंट्स को लेकर, तो रिकवरी एजेंट्स के पास एक नोटिस होना इम्पोर्टेंट है, और इनके पास DRA यानी डेथ रिकवरी एजेंट का एक लाइसेंस होता है। उसकी पूरी ट्रेनिंग होती है 3 महीने की। जो ये कंप्लीट नहीं करके आएगा उसके पास ये DRA का लाइसेंस भी नहीं होगा। यानी जो डेथ रिकवरी एजेंट है, अगर उसके पास DRA का लाइसेंस नहीं है, कंपनी की तरफ से उसको किसी तरीके का नोटिस नहीं दिया गया है और ना ही उसके पास प्रॉपर ID है, तो समझ जाइए कि वो सही रिकवरी एजेंट नहीं है। अब आप बोलेंगे किसी भी रिकवरी एजेंट के पास ये तीनों चीजें नहीं मिलती है, तो ये तीनों चीजें रिकवरी एजेंट के पास ना मिलने का सबसे बड़ा कारण आप लोगों को मैं बता रहा हूं। देखिए, ये जो थर्ड पार्टी होते हैं ये जाके आपके साथ मनमानी करते हैं, धमकी देते हैं, कहीं कहीं पे आपको डराते भी है, कहीं कहीं पे आपको ऐसी ऐसी बातें करते हैं। और अगर ऐसा में पकड़ा जाएगा इनका ये नोटिस, ID कार्ड और DRA का लाइसेंस, तो फिर कंपनी के ऊपर ब्लेम ही हो सकता है। लेकिन इनके पास ये सब कुछ नहीं होता तो अगर आप इनके खिलाफ कंप्लेन भी करते हैं तो कंपनी सामने से मुकर जाएगी कि वो बंदा इनका था ही नहीं। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि इन तीनों चीजों का होना काफी ज्यादा आवश्यक है। अगर कंपनी के पास ये तीनों चीजें हैं जो उनका एजेंट आता है, तो समझिए कि वो सही है, और अगर ये नहीं है तो समझिए कि वो फिर कुछ गलत हरकत भी कर सकता है। ऐसे में आपका वीडियो को रिकॉर्ड करना काफी इम्पोर्टेंट है। वीडियो रिकॉर्डिंग एक ऐसा साधन है, अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं तो ऐसे में आपके साथ कम चांसेस है कि बदतमीजी या कुछ भी गलत किया जाएगा। सबसे पहले तो रिकवरी एजेंट अगर आए तो उसको आप चाय पानी पूछिए, और फिर उसके बाद अगर जाने का मन है तो उनको भेज दीजिए। और इन केस में अगर वो आते ही आपको गलत बात बोलते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, आप सीधे सीधे बोलिए अपना DRA लाइसेंस, नोटिस और प्रॉपर ID कार्ड, ये तीनों मुझे फिलहाल दिखाओ, अगर नहीं दिखाओगे तो मैं नहीं मानूंगा तुम रिकवरी एजेंट हो, और गेट आपको बंद कर देना है और उसके बाद घर के अंदर चले जाना है। बाहर में वो जितना भी चिल्लाए और चिल्लाते रहे, आपको कोई उससे मतलब नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, आप 112 पे कॉल करके पुलिस को भी बुला सकते हैं और उसके खिलाफ कंप्लेन भी फाइल कर सकते हैं। तो इतना आपको अधिकार मिला हुआ है जिसके बारे में इम्पोर्टेंट होना आपको जानना जरूरी था। तो ये RBI का ये भी नियम है कि ये सारी चीजें इनके पास होनी चाहिए, लेकिन देखने के लिए मिलता है कि बहुत सारे रिकवरी एजेंट के पास होता है और बहुत सारे ऐसे रिकवरी एजेंट होते हैं जिनके पास ये सभी चीजें नहीं मिलती है। तो ये कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस थी जो आपको पता होना काफी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा भी कुछ इम्पोर्टेंट नियम कानून है जो मैं अगले वीडियो में लाऊंगा, Part 2 में। तो Part 2 देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए चलता हूँ आज के इस वीडियो में, और मिलूंगा अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।